4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 जो इससे लास्ट क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहां पर इस d को हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ठीक, तो उसमें हमारे तीन टॉपिक हैं। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस नेचर के हैं। तो तीन नेचर मैंने बोर्ड पे लिखी है, अभी आप फिलहाल ये तीन नेचर देखिए, आगे की नेचर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास है नंबर एक रूट्स। अब देखिए, आपने डी निकाला और डी आपका पॉजिटिव आया ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में मतलब अनइक्वल, अलग अलग। तो इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी जीरो से बड़ा आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3, इस टाइप के रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड में अगर मान लीजिए आपके d की वैल्यू आ जाती है 0, अगर d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो 0 अगर आ जाती है तो उस केस में हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल का मतलब है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, दोनों ही रूट्स इक्वल आएंगे, जैसे 2 2 3 3 माइनस 1 माइनस 1 इस टाइप से। थर्ड केस है रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स बोलते हैं हम उसे, इफ d लेस देन 0, जब d हमारा 0 से छोटा होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे। जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे, मैं आपको लिख देता हूं लेकिन आपकी क्लास में ये नहीं है। तो उस केस में होते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रूट्स कैसे होंगे हमारे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, तो इसको हम तभी डिस्कस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर d लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो आपको लिखना है रूट्स आर नॉट रियल या नो रियल रूट्स, बस। तो इसे समझने के लिए एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे हमने पहला क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, तो a हमारे पास 2 आएगा, b हमारे पास माइनस 8 आएगा, c हमारे पास 5 आएगा। अब हम यहां पर d निकालेंगे, तो यहां से हम d निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये आ गया 64, ये आया माइनस 40, ये हमारे पास 24 आया। अब 24 देखिए इन तीनों में से किस में लाई कर रहा है, ना तो जीरो के इक्वल है ये, ना लेस देन है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे उसकी नेचर हो गई डिस्टिंक्ट, अनइक्वल। तो यहां पर हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज और लिखनी थी हमें, यहां पर एक चीज में लिखनी, ध्यान दे रही है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये ध्यान रखना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यहां पर आएगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये रियल जरूर लिखे हैं इसके अंदर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और नंबर 4 भी है, नंबर 4 इन दोनों को मिलाकर के बनेगा, सिर्फ ये लिखना है रूट्स आर रियल इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पास। ये चार पॉइंट है आपके पास, तो जो चौथा पॉइंट है उसमें सिर्फ एक ही नेचर लिखी है मैंने, रियल की, रूट्स आर रियल, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल वाला पार्ट यहां पर।
तो ग्रेटर देन होगा खाली तो रियल के साथ डिस्टिंक्ट रूट जुड़ जाएगा, और अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रियल के साथ रियल तो होगा ही होगा और इक्वल और जुड़ जाएगा। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो सिर्फ लिखेंगे रूट्स आर रियल। तो ये चार पॉइंट है। तो यहां पर हम लिखेंगे जो इसकी नेचर आई हमारे रूट्स की, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के प्लेस पर आप डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी रूट्स की नेचर हुई। जैसे हमारे पास, चलो ये थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर करेंगे। तो ए हमारा 5 आ गया, बी हमारे पास 4 आ गया, माइनस 4 आ गया, बी इज माइनस 4 और सी इज 1। तो यहां से हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा हमारा 16 माइनस 5 इंटू 4, 4 इंटू 5। ध्यान से देखना, बी स्क्वायर हो गया 16, 4 ए आ गया हमारा 5, सी हमारे पास बना आ गया 20, ये आया माइनस 4। ठीक है, तो 16 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास थर्ड वाले केस में आ गया, रूट्स आर नॉट रियल। तो जो नेचर आई हमारी, रूट्स आर नॉट रियल। तो अब आप देखिए, देखो ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ नेचर की बात होगी कि सिर्फ नेचर बतानी है तो आप डी निकालिए, और डी इन चारों में से जिस भी केस में आ रहा है वो ले दीजिए, बस वक्त। अब थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है ये, यहां पर ए हमारे पास तो 3 आया, बी हमारे पास माइनस 2√6 आया और सी हमारे पास 2 आया। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सिक्स टू 12 और 4 ये आया 24, ये आ गया माइनस 12। तो इस केस में भी क्या आया, लेस देन 0। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, चलो मैं यहीं पर कर देता हूं। जैसे एक इक्वेशन हमें दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है कि इस रूट्स, इसके रूट की नेचर कैसी होगी। तो देखते हैं कैसी होगी इसकी नेचर। ए 1, बी माइनस 2 और सी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो डी हमारे पास 0 आ गया, तो 0 यहां पर आ गया। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप इसके रूट्स भी निकाल करके देख सकते हैं। अब तो हमें रूट्स निकालने के तीन मेथड आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिससे भी आप करोगे तो रूट्स इक्वल ही आएंगे और इसके रूट आएंगे 1 और 1। तो ये हमारे पास नेचर है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर पेपर में, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। मतलब क्या है, अगर नेचर पूछता है तो ये हुई बात। कभी कभी क्वेश्चन इसका उल्टा आता है, मींस नेचर हमें दी होती है, मतलब इन चारों में से कोई सी एक नेचर हमें दे रखी होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक अननोन होगा, वो हमें निकालना होगा। तो आज अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो अननोन निकालने के। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन, क्वेश्चन हमारे पास देखिए, यहां पर ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ध्यान से देखना, ये नेचर हमें दी हुई है, हमें नेचर प्रूफ नहीं करनी है, नेचर हमें दी हुई है। तो जब नेचर हमें दी हुई है तो हम उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखनी है। कंपेयर करना है,
कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू टू पी प्लस वन, बी इक्वल टू माइनस सेवन पी प्लस टू और सी इज इक्वल टू सेवन पी माइनस थ्री। अभी डी निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से, तो बी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है और सी की वैल्यू हमारे पास है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अभी हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 49p स्क्वायर प्लस 4 और यहां पर आएगा प्लस 28p, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3, तो 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 माइनस 4, 14p स्क्वायर प्लस p माइनस 3, तो ये आएगा हमारे पास 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 माइनस 56p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 12, तो ये बचेगा माइनस 7p स्क्वायर और प्लस 24p प्लस 16, माइनस कोमा ले लेते हैं, 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16। तो अभी हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, उससे पहले देखिए अभी हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन थी हमें, हमने ये लिखी और हमने इसका कंपेयर करके हमने इसका डी निकाल लिया। ठीक, डी देखो इस टाइप के जिसमें भी नेचर की बात होती है वहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, डी तो निकालना ही पड़ेगा। अब जो नेचर दी है देखिए, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स हमें रियल और इक्वल दिए हुए हैं। सबसे पहली बात, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमें डी इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमें ये गिवन है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मैंने आपको नेचर में लिखवाया था जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है। अब जो हमारा डी आया है इक्वल टू जीरो, ये माइनस में पहुंच जाएगा जीरो, तो सेवन पी स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू जीरो। अब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे जैसा कि आपको सिखाया गया था। यहां पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है तो माइनस आया। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा आएगा 16 इंटू सेवन 112, 112 है, 112, तो 24 को हमें ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में, जिन्हें हम माइनस करें तो 24 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 112 आए। तो 112 के हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, देखो मिल गए हमें पहली बार में ही 28 माइनस 4, 2 टू जा 4, तो ये मिले हमें 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 इज 24 एंड 28 4 जा 112, 112, तो 7p स्क्वायर माइनस 28p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू जीरो। स्टार्टिंग ये दो में हमारे पास 7p को बना गया और यहां से हमारे पास 4 को बना गया, तो p माइनस 4 और 7p प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहां से आया p माइनस 4 इक्वल टू जीरो और 7p प्लस 4 इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 4।
यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये पी की दो वैल्यू आई, हो सकता है दोनों आंसर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आंसर हो ये ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आंसर है और ये ना हो। तो कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में दोनों ही पी की वैल्यू है या कोई सी एक? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, उसमें a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, वो जीरो नहीं बनना चाहिए बस किसी भी वैल्यू के लिए। अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2p प्लस 1, तो अगर मैं p की वैल्यू 4 डालता हूं तो 9 आएगा, जीरो तो नहीं बना, तो ये भी आंसर है। और p की वैल्यू अगर मैं -4/7 डाल के देखता हूं, जीरो तो नहीं बना, तो ये भी आंसर है। हाँ, अगर मान लीजिए, सपोज करो यहां पर p माइनस फोर होता, मान लीजिए एक बार को, तो जैसे ही मैं यहां पर 4 डालूंगा तो 4-4 जीरो, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, तो इसे हम छोड़ देंगे, फिर हमारा वो आंसर होगा। लेकिन अभी हमारे पास यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर हम वापस 2p+1 लिख देते हैं। तो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं। सबसे पहले आप डी निकालिए, जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस 12, बी की वैल्यू आएगी 2α-12, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक, तो बी स्क्वायर मीन्स इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है अल्फा माइनस 12 और c की वैल्यू है -2। यहां से देखना जरा, कैलकुलेशन का पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a और ये c। अब आप देखिए 2 का स्क्वायर 4, अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24 अल्फा, और माइनस माइनस प्लस 8 अल्फा माइनस 12, तो ये बनेगा आपका 4α² माइनस, ये कितना आएगा आपका 96 अल्फा प्लस 144 इंटू 4, तो 144 इंटू 4 आपका आएगा, जहां तक 16 है, ये आएगा तुम्हारा 576 प्लस में आएगा, प्लस 8 अल्फा माइनस 96। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4α², और 96 में जब 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 88 अल्फा। ठीक है, माइनस 88 और 576 में से हम 96 माइनस करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 5, यहां से हमने 100 माइनस किया तो 4, ये आएगा तुम्हारा 4, ये आएगा आपका 480 इक्वल टू 0। ठीक, सो पॉज द वीडियो और से आप नोट करिए तुरंत। अभी यहां से 4 कॉमन आ गया, 22 अल्फा प्लस 4 20, तो ये हमारे पास अभी डी निकल गया। देख लेना, जितने भी क्वेश्चन नेचर से रिलेटेड होते हैं तो सबसे पहले डी निकालिए। अगर नेचर पूछता है कि क्या नेचर है तो डी देख लो, नेचर दी हुई है, कांस्टेंट निकालना हो तो नेचर का यूज कर लीजिए। अब आप देखिए, यहां पर मैंने डी निकाल लिया है, अब चलो यहां पर अब हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अब हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, ये
ये आपका आएगा स्प्लिटिंग करेंगे इसकी तो 12 प्लस 10 तो अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 10 अल्फा प्लस 120 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन आ गया यहां से माइनस 10 कॉमन आ गया तो अल्फा माइनस 12 और अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी हम यहां पर लिखेंगे अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 12 और अल्फा इज इक्वल टू 10। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों आंसर है या कोई एक आंसर है। तो x की वैल्यू 12 अगर मैं यहां पे रखता हूं गिवन इक्वेशन में तो x स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाएगी। x इज इक्वल टू 12 यहां रखेंगे तो 12 माइनस 12 0 खत्म। तो इट मींस x की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू 12 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल। सो अल्फा इक्वल टू 10 is the answer. So pause the video and note it down. Question है हमारे पास 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0 has equal root. Then prove that. ध्यान से सुनना कि नेचर हमें दी हुई है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहा है उसने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या हो गया? तो नेचर तो गिवन हो गई हमें। नेचर क्या होती है भाई? रूट्स की कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट है तो नेचर गिवन है। तो नेचर गिवन का मतलब है रूट्स आर इक्वल। इट मींस डी की वैल्यू 0 हमें दे दी। अब क्या करना है आपको? ये प्रूफ करना है c square equal to a square 1 plus f square। प्रूफ मत देखा करो कि क्या प्रूफ करना है। सिर्फ दो काम है, d निकाल के 0 पुट करो, बात खत्म। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ये बना पाएगा। कंपेयर करिए सबसे पहले, कंपेयर विद ax square plus bx plus c equal to 0 c। तो a हमारे पास आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, b हमारे पास आ गया 2mc और c हमारे पास आ गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा b स्क्वायर हो गया हमारे पास 2mc का स्क्वायर 4a। a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस अब आप कैलकुलेशन करिए जी। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करिए इसकी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4m square c square 4c square minus minus plus 4a square minus plus minus 4m square c square minus minus plus 4m square a square, जो कटे उसे काट दो तुरंत। तो क्या बचा? 4a square बचा हमारे पास और हमारे पास बचा ये, यहां से ये बचा 4c स्क्वायर बचा और प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर बचा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी देखो, किसी भी क्वेश्चन में हम ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कैलकुलेशन वाला पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। ये डी निकालना, देखो नेचर से रिलेटेड हर क्वेश्चन में डी तो निकालना ही पड़ेगा। निकल गया, ठीक है। अब सिंस रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स कैसे हैं? इक्वल, तो भैया डी इक्वल टू जीरो, बात खत्म। डी हमने यहां निकाल लिया, जीरो के इक्वल पुट कर दो तो डी हमारे पास आएगा
फोर ए स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप फोर कॉमन ले लीजिए, तो फोर कॉमन लीजिए, या चलो फोर कॉमन लिया हमने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फोर इधर आके जीरो में पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सी स्क्वायर नेगेटिव है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, यहां से अभी यहां पर ए स्क्वायर आएगा, ये सी स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया वन प्लस एम स्क्वायर, हेंस प्रूव। अब आप देखिए जो दिया था वो प्रूफ हो गया। तो अभी ये क्लास में हम यहीं तक ही करेंगे, लेकिन अभी नेचर ऑफ रूट्स का जो हमारा टॉपिक है ये भी खत्म नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड अभी हमें और क्वेश्चंस आगे की क्लासेस में डिस्कस करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको दोबारा करना है, प्रैक्टिस करनी है नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।